हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेफ संदीप मेहरोरा चैनल। टुडे वी आर मेकिंग अ स्पेशलिटी सेक्शन ऑफ विंटर सूप्स। आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर सूप्स की स्पेशलिटी, और उसमें जो पहला सूप जो आज मैंने बनाया वो है क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप। आई विश दैट यू विल डेफिनेटली ट्राई दिस सूप एंड यू विल लव दिस सूप। इट इज अ रियली हेल्थी सूप। ये बहुत ही टेस्टी और यमी सूप है और हेल्थ कॉन्शियस सूप है, तो आपको इस डिश को जरूर ट्राई करनी चाहिए। और हम देखते हैं मैंने इसे किस तरह से सर्व किया है। आप देख सकते हैं मैंने क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप सर्व कर दिया है। ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है और ये बहुत ही हेल्थी सूप है। अगर आप इसके साथ में क्रूटॉन सर्व करने आते हैं तो आप उसे इसके साथ में क्रूटॉन्स भी बनाकर सर्व कर सकते हैं, बट मैंने इसे हेल्थ कॉन्शियस साइड पे रखा है इसलिए मैंने इसके साथ में ब्रेड को नहीं सर्व किया है। अब हम देखते हैं हम इस सूप को किस तरह से बनाते हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस सूप विल बी मेड। टुडे वी आर मेकिंग क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप। क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये है: ब्रोकली अराउंड 300 ग्राम्स, ऑल पर्पज फ्लोर मैदा अराउंड 40 to 50 ग्राम्स, बटर अराउंड 40 to 50 ग्राम्स, ऑयल 30 ml, मिल्क अराउंड 100 ml, अराउंड 2 to 3 tablespoons ऑफ चॉप गार्लिक लहसुन, अराउंड 1 medium size चॉप अनियन कांदा, क्रश ब्लैक पेपर काली मिरी का पाउडर, सॉल्ट नमक और फ्रेश क्रीम। द फर्स्ट स्टेप फॉर स्टार्टिंग द क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप इज टू ब्लास्ट द ब्रोकली। फॉर दैट आई ऑलरेडी केप द वाटर फॉर बॉइलिंग। क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमें ब्रोकली को ब्लांच करना है, जिसके लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है। यू कैन सी आई ऑलरेडी केप द वाटर ऑलरेडी बॉइलिंग, सो नाउ वी स्टार्ट ब्लांचिंग द ब्रोकली। आप देख सकते हैं कि पानी गर्म हो चुका है, अब हम ब्रोकली को ब्लांच करना शुरू करेंगे। आई हैव टू ऐड अराउंड 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट इन द वाटर, सो इट ऑल्सो एनहांसेज द फ्लेवर ऑफ द ब्रोकली एंड ऑल्सो हेल्प्स इट टू कुक अ बिट फास्टर। मैंने इस पानी में 1 tablespoon नमक डाला है, वेजिटेबल को फ्लेवर मिलता है और वेजिटेबल जल्दी कुक भी हो जाते हैं। अब हम ब्रोकली को ब्लांच करना शुरू करेंगे। द ब्रोकली आई ऑलरेडी पुट इन द वॉटर फॉर ब्लांचिंग, एज यू कैन सी हियर। मैंने ब्रोकली को गर्म पानी में ब्लांच करने के लिए डाल दिया है। इसे करीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे अच्छे से ब्लांच होने के लिए। बाय द टाइम द ब्रोकली इज बीइंग ब्लांचिंग, जब तक हमारी ब्रोकली ब्लांच हो रही है, हम जो सेकेंड स्टेप है इसका बेस यहाँ पर तैयार करने के लिए शुरू कर देंगे। आई हैव केप्ट अ कढ़ाई फॉर मेकिंग द सूप। मैं ऐड करने वाला हूँ करीबन 30 ml ऑयल। Around 40 grams butter. Let the oil in the butter melt completely. As you can see, the oil and butter is completely melted. Now I'll be adding around 2 tablespoons of chopped garlic. मैंने ऐड किया है करीबन 2 tablespoons chopped garlic, एक मीडियम साइज का chopped onion. हमें इन सब को अच्छे से ट्रांसपेरेंट करना है। वी हैव टू मेक दिस नाइस वेजिटेबल चॉप एंड चॉप गार्लिक एंड चॉप अनियन नाइस ट्रांसपेरेंट। आई वी डोंट नीड टू ब्राउन इट कम्प्लीटली। और ब्रोकली इज कम्प्लीटली ब्लांच। हमारी ब्रोकली अच्छे से ब्लांच हो गई है, हम इसे भी निकालने वाले हैं। एज यू नो ब्रोकली इज अ ग्रीन वेजिटेबल, वी नीड टू मेक श्योर वी रिटेन द कलर। फॉर दैट आई ऑलरेडी रिमूव्ड आई हैव केप्ट अ cold water. I'll be immersing the broccoli directly in the cold water so it gets a shocking effect and the color retains. जैसे आप जानते हैं ब्रोकली एक ग्रीन वेजिटेबल है और हमें इसका ग्रीन कलर मेंटेन रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ठंडा पानी ले लिया है जिसमें मैं इसे निकालने वाला हूँ ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। आई हैव टेकन कोल्ड वाटर, मैंने यहाँ पर एकदम ठंडा पानी लिया है जिससे ये ब्रोकली का कुकिंग प्रोसीजर टोटली स्टॉप हो जाएगा और इसके जो कलर है वो डिसकलर नहीं होंगे। ये बहुत ही अहम स्टेप है। अगर आप चाहते हो अच्छा रिच ग्रीन ग्रीनिश अच्छा फ्रेश ब्रोकली सूप बनाना तो आपके ये स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें हमने ब्रोकली को ब्लांच किया है इसे फेंकना नहीं है, हम इसी स्टॉक को सूप बनाने के लिए यूटिलाइज करेंगे। वी वोंट बी थ्रोइंग आउट दिस वाटर, वी विल बी रिक्वायरिंग दिस एज अ वेजिटेबल स्टॉक फॉर मेकिंग द सूप। यू कैन सी द चॉप अनियंस एंड गार्लिक इज नाइसली ट्रांसलूसेंट। आप देख सकते हैं कांदा और लहसुन अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो चुका है, अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, वी हैव नॉट ब्राउन इट। तो अब हम इसमें फ्लावर ऐड करने वाले हैं। आई विल बी एडिंग अराउंड 30 to 40 ग्राम्स मैदा ऑल पर्पज फ्लावर।
द रीजन ऑफ एडिंग द ऑल पर्पज फ्लावर मैदा इज बिहाइंड दैट वी विल बी नीडिंग अ थिक सूप नॉट अ एंड ड्यू टू दिस एडिंग ऑफ फ्लावर दिस सूप विल बी गेटिंग अ नाइस थिकनिंग कंसिस्टेंसी एज वेल सो यू नीड टू मेक श्योर यू एड द फ्लावर एंड यू नीड टू कुक इट ऑन अ स्लो फ्लेम सो इट डज नॉट टर्न ब्राउन. आपको इसे धीमी आंच पर कुक करना है ताकि आपका जो ये मिक्सचर है मैदे का वो जले नहीं और आपको एक अच्छे से सॉफ्ट टेक्सचर मिल जाए. हमारा मैदा अच्छे से कुक हो गया है. इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ मिल्क. आवर फ्लावर इज नाइसली कुक्ड. एट दिस स्टेज आई विल बी एडिंग अराउंड 100 ml ऑफ मिल्क. द रीजन ऑफ एडिंग मिल्क इज इट्स एवरीथिंग विल कम टुगेदर. दूध डालने की अहम वजह है कि इससे जो हमारा सॉस का बेस है वो एक साथ आ जाएगा और वो बर्न नहीं होगा. अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे. ब्रोकली ठंडी हो गई है. मैंने इसे करीबन 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए आइस वाटर में रखा था. नाउ वी विल बी ब्लेंडिंग दिस मिक्सचर. अब हम इसे मिक्सर में प्यूरे करने वाले हैं. आप देख सकते हैं हमने ब्रोकली को अच्छे से मिक्सर में ब्लेंड कर लिया है. अच्छे से स्मूथ प्यूरे बना लिया है. यू कैन सी दैट वी हैव नाइसली ब्लेंडेड अ प्यूरे ऑफ ब्रोकली विच वी हैव ब्लांस्ड. मैंने गैस को फिर से ऑन कर लिया है. इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ वेजिटेबल स्टॉक जिसमें ब्रोकली को ब्लांच किया था. हमें पूरा स्टॉक नहीं डालना है, हमें आधा स्टॉक डालना है स्टार्ट में. वी हैव टू मिक्स दिस टुगेदर. हमें इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लेना है ताकि इसमें थोड़ा भी लंप्स ना लगे. इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ प्यूरे ऑफ ब्रोकली. मैं आई विल बी एडिंग द ब्रोकली प्यूरे एट दिस स्टेज. मिक्सर को इसमें सूप में ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से मिला लिया है. इस स्टेज पे मैं इसे सिमर पर रखूंगा 2 से 3 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से बाकी के इंग्रेडिएंट्स के साथ में मिल जाए. 3 मिनट हो चुके हैं. अब इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ वाटर जिसमें हमने ब्रोकली को ब्लांच किया था. अगर आपको सूप आपका पतला चाहिए तो आप पानी ज़्यादा भी रख सकते हैं. अगर आपको थिक चाहिए तो आप उस हिसाब से अपना पानी एडजस्ट कर सकते हैं. मैंने पानी को इस मिक्सचर में ऐड कर लिया है जो वेजिटेबल स्टॉक था और अब हम इसे 3 से 5 मिनट के लिए अच्छे से सिमर होने के लिए छोड़ देंगे. आई हैव एडेड द वाटर द वेजिटेबल स्टॉक इन द सूप. नाउ वी विल बी कीपिंग इट ऑन सिमर फॉर अबाउट 3 to 5 मिनट्स. आई एम एडिंग अराउंड 1/2 tablespoon ऑफ क्रश ब्लैक पेपर. मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ करीबन 1/2 चम्मच क्रश ब्लैक पेपर, काली मिरी का पाउडर, नमक करीबन 1/2 tablespoon. नमक आप स्वाद अनुसार भी ऐड कर सकते हैं. जैसे अगर आपको ज़्यादा तेज नमक लगता है तो आप उसके अंदाजे से भी अपने नमक को एडजस्ट कर सकते हैं. सॉल्ट यू कैन प्रिफर एज पर टेस्ट ऑल्सो. क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप अच्छे से थिक हो गया है बट इस स्टेज पे मैं इसे स्टेन करने वाला हूँ. स्टेन करने का रीज़न ये है कि आप जानते हैं इसमें मैंने चॉप अनियन गार्लिक यूज़ किया था तो मैं नहीं चाहता जब आप खाएं तो उसका जो इंग्रेडिएंट्स वो आपके मुंह में लगे. इसलिए मुझे इसे स्टेन करना है ताकि आपको एक रिच क्रीमी सूप मिले. हमने इसे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए सिमर पर रखा है. ये एक लेंथी सूप नहीं है बनाने का, ये काफ़ी अच्छा तरीका है जल्दी झटपट सूप बनाने का. हमने सूप को अच्छे से स्टेन कर लिया है. आप देख सकते हैं मैंने इसे स्टेन कर लिया है. अब ये सूप एकदम स्मूथ हो गया है. अब हम इसे फिर से अपने पैन में डालेंगे ताकि हम इसे अच्छे से सूप को फिनिश कर सकें. हमें सूप को और 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देना है और बाद में हम इसे क्रीम से फिनिश करेंगे. आप देख सकते हैं सूप में अच्छे से बॉईल आ गया है. इस स्टेज पर मैं इसे सिमर करूंगा और इसमें क्रीम डाल के इस सूप को फिनिश करूंगा. मैं ऐड कर रहा करीबन 2 चम्मच फ्रेश क्रीम. इससे अच्छा कलर भी आएगा और अच्छा टेक्सचर भी मिलेगा. आप देख सकते हैं हमारा डिलीशियस ब्रोकली सूप तैयार हो गया है. यू कैन सी द डिलीशियस ब्रोकली सूप इज रेडी टू बी सर्व्ड. हम अब इसे सर्व करने वाले हैं. Our delicious cream of broccoli soup is ready and served hot. I hope that you will definitely try this dish and share your feedback and comments. And don't forget to like, share and subscribe. हमारा cream of broccoli soup तैयार हो चुका है और मैंने इसे serve कर दिया. ये piping hot है. हमारे channel को like, share और subscribe करना ना भूलिए. और मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली winter soup recipe के साथ.